सर केमिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनफ है क्या? अभी के लिए तो आप कुछ पढ़ना भी गुनाह हो जाएगा, क्योंकि अब वो समय नहीं है नया पढ़ने का। तो मैं अभी एक दो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था, मे भी आप लोगों ने देखा होगा। तो अभी नया कुछ मत पढ़िएगा, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन सीएसआईआर जैसा नहीं होता है। गेट एग्जामिनेशन में इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते जिनमें इंफॉर्मेशन वही क्वेश्चन में दिया हो आप उससे पढ़ के निकाल लेंगे। नहीं, आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ये आपकी पढ़ाई पर डिपेंड होता है। क्योंकि क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, चाहे वो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले हो या चीजें हो या न्यूमेरिकल बेस्ड हो या 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के हो, मैच ऑफ द फॉलोइंग हो। तो ये चीज ध्यान रखे रहे कि यहाँ पे आपके नॉलेज पे चीजें बेस्ड होती हैं। अभी जिसने अभी पीवाईक्यूज आपने कर रखा है, सही कर रखा है। केमिस्ट्री में पीवाईक्यूज मोर देन इनफ के तौर पे जाने जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री इस लेवल पे हमें ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होता तो नहीं है, लेकिन हम छोड़ चुके होते हैं नाता। तो जितना आपने कर लिया, अगर पीवाईक्यूज पिछले 10 सालों के भी केमिस्ट्री कर रखे, दावे के साथ कहता हूँ कि 5 क्वेश्चन तो उससे फंसने वाले। अब उन 5 क्वेश्चंस को आप कर ले जाओगे तो बेलन तो आपके लिए बढ़िया बढ़िया, अगर 2 नंबर के हो गए तब तो 10 नंबर वही से आ गए। तो केमिस्ट्री अगर पीवाईक्यूज किया है आपने पिछले 10 सालों के लिए, ठीक है, उसी को कर लीजिए, उन्हीं के फॉर्मुलेस को रिवाइज कर लीजिए। और पीवाईक्यूज करने का ये मतलब मत रखिएगा कि आंसर रटना है। कई लोगों को समझते हैं कि पीवाईक्यूज का मतलब किसी ने क्वेश्चन में भी दे दिया कि SN2 रिएक्शंस में ये होता है, आपने रट दिया, अच्छा SN2 में ये होता है, किसी अमीनो एसिड ये होता है, रट लिया। ऐसे नहीं होता, रटना नहीं होता, आंसर्स देख के उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना होता है। अगर जैसे किसी ने बोला कि हीट ट्रांसफर पे कोई क्वेश्चन आया बायोटेक्नोलॉजी में या RDT पे कोई क्वेश्चन आया, तो कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, ये अगर आपको पता है, केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने PYQs ही भले क्यों ना किया हो, लेकिन हर क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, आपने वो जाना है, तो बहुत अच्छा किया है और ये बहुत इनफ है। सही तरीके से जाके एग्जाम में अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है।